अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। तो आज की व्लॉग में मैं अपनी असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ, जो ये कि हमारी बेसिकली हमारी फाइनल्स की असाइनमेंट है, स्टूल्स पेंटिंग। हम सबको एक एक स्टूल मिला है और हम लोगों ने इसको पेंट करना है। मिला मतलब ये हमने खुद ही लिया है तो हम लोगों ने ये पेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वाइट कोटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब डबल कोटिंग होगी इसके ऊपर वाइट की भी। सो अभी ये सब लोग फर्स्ट कोटिंग कर रहे हैं। तो हम लोग को इस असाइनमेंट को पूरा करने में 2 दिन लग गए थे और ये मतलब दूसरी कोटिंग भी हम लोगों की हो गई थी। तो ये मतलब कुछ लोगों की रह गई थी और कुछ कुछ की हो गई थी। जिनकी हो गई थी वो धूप में इसको ड्राई करने जा रहे थे, क्योंकि वैसे हमें सर ने एक ही दिन दिया था लेकिन एक दिन में कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग को शाम के 6 बज गए थे और हम यूनिवर्सिटी में थे, तो फिर सर ने देखा तो उन्होंने कहा चलो कल आके कम्प्लीट कर लेना। उसके बाद ये पेंट्स वगैरह मेरी फ्रेंड को रही है, हम लोगों से खुल ही नहीं रहे थे। हमने कहा ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बच्ची है, ये इससे पेंट खुल रहे हैं और हम लोगों से पेंट नहीं खुल रहे। तो हम लोगों ने जाके फिर ये कुछ बच्चों को देखा जो वो कलर्स वगैरह कर रहे थे, तो ये सर आए हुए हैं और बता रहे हैं कि भैया ये मिस्टेक्स आप लोगों ने की हुई हैं। तो मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा था मैं सिर्फ आउटलाइनिंग के लिए ब्लैक कलर यूज़ करूँगी, अंदर कलर में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा किसी का भी। तो हम लोगों ने कहा कि अच्छी फिनिशिंग के लिए हम लोग इसको डबल टेप जो है उसको हम लोग कट करके, डबल टेप नहीं सॉरी मास्किंग टेप, उसको हम लोगों ने बिल्कुल थिन सा कट करके वो लगा के फिर किया। और ये कुछ बच्चे अपने करे और हमारे हाथों की कपड़ों की कोई हालत नहीं थी, पेंट हुआ था। ये मेरे फ़ोन कवर ये भी ख़राब हो गया था, मैं वहीं फेंक कर आ गई थी। सो मैंने अब अपने स्टूल की पेंटिंग स्टार्ट कर दी है और ये मेरी फ्रेंड का ऑलमोस्ट मतलब ऊपर की इसकी ये कम्प्लीट हो गई थी, तो वो हम लोग उसकी टेप बता रहे थे। बाकी बच्चे बैठ के भी ये सब लोग पेंटिंग कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, खाने वगैरह का किसी की चीज़ का कुछ पता नहीं है। बस सब लोगों को प्यास ही लगी जा रही थी क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग धूप में बैठ के काम कर रहे थे। तो बस ये सब लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी। तो उसके बाद हम लोगों का डिस्प्ले था नेक्स्ट डे। हम लोगों ने सब मतलब सब सीनियर्स की भी और हम लोगों की भी असाइनमेंट सब लोगों ने बारी बारी पर लगाई हैं। और ये मेरा स्टूल एंड में ये रहा मेरा स्टूल। अब बताएँ कैसा लगा आप सबको। यहाँ मेरा ब्लॉग एंड होता है, अल्लाह हाफ़िज़।